अगर आप जिंदगी से हार गए हैं तो एक ख्वाजा सरा की जिंदगी पढ़कर शायद आप जीने लगें। ख्वाजा सरा से मैनेजर डायरेक्टर तक। मेरा नाम समीर है, मैं न तो मर्द हूँ न औरत, लोग मुझे ट्रांसजेंडर कहते हैं। ख्वाजा सरा, मेरे अबा तो तब फवत हो गए जब मैं 10 साल का था। मेरा जिस्म तो लड़कों सा था लेकिन मेरा मन लड़कियों सा। मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था, मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। मेरी अम्मी स्कूल टीचर थीं। जब उनको पता चला मेरा एक ही बेटा है और वो भी ख्वाजा सरा, वो बहुत परेशान हुई, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती थीं। मैं लिपस्टिक लगाया करता था, मुझे सर पर दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को पता चल गया मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। अम्मी मुझे पढ़ाना चाहती थीं। अम्मी मुझे बहुत प्यार से समझाया करती थी, बेटा ये लोग मुआशरा बहुत गलत है, अगर जीना चाहते हो तो अच्छा इंसान बनकर जियो, लोगों का सामना करना सीखना होगा। मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, एक बड़ा ऑफिसर। मैं दिल लगा कर पढ़ाई करता। मेरी दो बहन थीं, मैं अकेला ही भाई था, यूं कह ले न भाई न बहन। स्कूल में मेरा मजाक बनाया जाता, मैं क्या करता, मेरा लहजा लड़कियों सा था। मैं बहुत रोता था लेकिन अम्मी मेरा सहारा थी। वो मुझे समझाया करती, बेटा ऐसे बहुत से मकाम आएंगे जिंदगी में, तुमको कभी हारना नहीं है। मैं स्कूल से कॉलेज चला गया, वहां मेरे लिए आई और भी मुश्किलात बढ़ गईं। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। कॉलेज के लड़के मुझे तंग करने लगे, मैं बर्दाश्त करता रहा। अजीत के दिन गुजरे, यूनिवर्सिटी चला गया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बहुत खुश था, मैं लोगों को जिंदगी सिखाना चाहता था, मैं लोगों को मोहब्बत करना सिखाना चाहता था, मैं रिश्तों को निभाने की बात करना चाहता था, मैं जहालत को खत्म करना चाहता था, मैं दीन भी सीखा, मैं चाहता था अपने मुल्क के लिए कुछ कर जाऊं। जब पढ़ाई मुकम्मल हो गई फिर मैं जॉब की तलाश करने लगा। मैंने सबसे पहले पुलिस में अप्लाई किया लेकिन अफसोस मुझे कबूल न किया गया, मुझे ख्वाजा सरा कहकर निकाल दिया गया। मैंने बहुत से इदारों में कोशिश की लेकिन मुझे सब अजीब तरीके से ट्रीट करते। लोग अपनी अपनी मर्जी से मेरा नाम बुलाते, कोई कहता बलोरानी तो कोई छमछलो, जैसे नाम देता मुझे मैं खामोश हो जाता। अम्मी की स्कूल से सर्विस पूरी हुई, जो पेंशन मिली, दोनों बहनों की शादी कर दी। मैं इतना पढ़कर भी ख्वार हो रहा था क्योंकि लोग मुझे सिर्फ एक नाचने वाला ख्वाजा सरा समझते थे। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाही लेकिन कोई भी अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ाने के लिए तैयार न था। मैं क्या करता, मेरा कसूर क्या था, ये सब तो अल्लाह पाक ने बनाया है ना, मैं कहाँ गलत था। अम्मी बीमार रहने लगी, मैं नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। बहुत से लड़के मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे और बहुत से गलत ताल्लुकात बनाना चाहते थे। मैं तन से ख्वाजा सरा था, मन से एक अच्छा इंसान। मैं हर झगड़ा करने वाले को समझाता, प्यार का दर्स देता, शायद लोग मेरी बातों को मजाक समझते। मैं लोगों को बताता अपना जमीर बिरयानी की प्लेट पर न बीज दिया करो, एक बाशौर कौम बनो, लेकिन मेरी बात बेमानी होती। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने अगवा कर लिया, मेरी आंखों में आंसू नहीं खून है। मैं मगरिब की नमाज पढ़कर घर आ रहा था, मुझे अगवा कर लिया गया। वो लड़के मेरे गांव के थे, साथ कोई अजनबी लड़के भी थे। मुझे गुन दिखा डराया गया, फिर मुझे कहने लगे चल बलू रानी डांस कर। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा लिखा, उनसे कहने लगा प्लीज मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। एक आगे बढ़ा, मुझे थप्पड़ मार दिया, गाली देकर बोला नाच वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। मेरे साथ जबरदस्ती की, मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। मैं चीखता चलाता रहा, आखिर मैं उस मुआशरे का निशाना बन गया। मुझे मेरे घर के सामने फेंक गए, मैं रो रहा था। घर आया, अम्मी को आवाज दी, लेकिन कब जानता था एक और कयामत मेरी मंतजर है। अम्मी के पास पहुंचा, अम्मी सो रही थी। जब अम्मी को बार बार आवाज दी, अम्मी ने आंख न खोली। मेरा दिल घबराने लगा, फिर जब मेरी चीखें भी अम्मी न सुन सकी, मुझ पर कहर गुजरा, अम्मी दुनिया से चल बसी हैं, मैं किसको बताता, मुझ पर दर्द का पहाड़ गराया गया। ये रोने लगा, मोहल्ले वाले भी आ गए, बहनों को भी बुलवा लिया, मेरा एक सहारा था वो भी न रहा। अम्मी को दफनाया, बहने कुछ दिन रही अपने अपने घर चली गई, मैं तन्हा रह गया। एक स्कूल में टीचिंग करने लगा, लेकिन अभी मुश्किलात खत्म कहाँ हुई थी, उन लड़कों ने मेरी वीडियो बना ली थी, वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। मेरा मुआशरा मुझे गंदी गालियां देने लगा, जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया वो पारसा थे। हाँ पुलिस के पास गया था ना उनकी कंप्लेन करवाने, लेकिन क्या हवा, मेरे साथ ज्यादती करने वाला एक पुलिस वाला भी तो था ना। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि मुझे गाँव से भी निकाल दिया। न घर न पैसा न कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था और है। मैं लड़कियों के कपड़े पहने बाजार में बैठा हुआ था, एक ख्वाजा सरा भीख मांगते हुए मेरे पास आया। नी बहन यहाँ क्यों बैठी है, मैं उसकी तरफ देखकर खामोश रहा। वो कहने लगा मेरा नाम शुभम है, तुम भी हमारी बरादरी की हो ना। मैंने चुप साथ रखी थी। शुभम ने मेरा हाथ पकड़ा, हाय मैं मर जाऊं नी, तुमको तो बुखार है, चला मेरे साथ। उसने मुझे सहारा दिया, मुझे चलने के लिए कहा। मैं इसे किया बताता, मैं दो दिन से भूखा हूँ, भीख मांगने की हिम्मत न थी। मेरे कंधे पर जो बैग था उसमें मेरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रियां थीं।
और 2 दिन से भूखा था। उसने किसी को फोन किया, नी बाजी एक अपनी बरादरी का मिला है, उसकी सेहत खराब है, जल्दी आ। मुझे कार में बैठा कर एक घर में ले गए। घर बहुत खूबसूरत था, वहां सबके सब ख्वाजा सरा थे, सब मेरे गिर्द जमा हो गए। गुरु भी आया, हाय मां सदके जाए किया हवा मेरे लाल को, जानी पहनो डॉक्टर को बुला कर ला। मैं न चाहते हुए उन लोगों में पहुंच गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया, मुझे इंजेक्शन लगाया। मैंने बताया मैं भूखा हूं 2 दिन से। बहुत दिनों बाद मजे का खाना खा रहा था। मैं देख रहा था, सब में बहुत प्यार था, सब बहुत खुश थे। गुरु मेरे पास आकर बैठी। मेरी बची किया हवा, कहाँ की हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम समीर है। गुरु ने प्यार से पूछा, किसकी चेला है? मैं नहीं जानता था चेला किया होता है। मैं चुप रहा, गुरु मेरा सर दुबाने लगी। मुझे सबने बहुत प्यार दिया, मैं हैरान था। ये भी इंसान हैं, ये भी अल्लाह के बनाए इंसान हैं, ये भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। मैं कुछ दिन वहां रहा। गुरु ने कहा, बेटी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं कहती हूँ मेरी चेला हो जा, मैं क्या करता कहाँ जाता? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे कानों में बालियां डाली गईं, मुझे चेला कर लिया, मेरे पैरों पर घंघरू बांधे। मैं बेबसी में बेहाल हो गया। मैंने बैग से डिग्री निकाली जिस पर लिखा था मिस्टर समीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पैरों की जानिब देखा, घंघरू बांधे हुए। मुझे डांस सिखाने लगे, मुझे शादी ब्याह पर साथ ले जाते। मैं बहुत खूबसूरत था, मुझे नाचने का कहा जाता, लेकिन मैं थक जाता था, मेरे पैरों में दर्द होता। दूसरे सब ख्वाजा सरा मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरे पांव तक दुबाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उस दलदल में डूबने लगा। मैं नाचता, लोग मेरे ऊपर पैसों की बरसात करते, लोग मुझे रात की ऑफर भी करते, मैं इनकार कर देता। कभी कभी किसी शादी में कोई शराब पी कर हम पर तशद्दुद भी करता, पेट की खातर सब कुछ बर्दाश्त कर जाते। रफ्ता रफ्ता मैं मशहूर होने लगा, मैं ख्वाजा सराओं की टॉप लिस्ट में शुमार होने लगा, लाखों रुपए एक प्रोग्राम के कमाने लगा। मैं किया बनना चाहता था, लोगों ने मुझे किया बना डाला। जिस गांव से मुझे बदनाम करके निकाला गया था, इसी गांव में चौधरी के बेटे की शादी में मुझे लाखों रुपए पर बुलवाया गया। मुझे किसी सेलिब्रिटी की तरह रखा गया, मेरे साथ तस्वीर बनवाई सबने। वक्त कैसे बदला था, मैं अज की जिंदगी जीना चाहता था, सब मुझे बदनाम करने पर तले थे। मैं बदनाम हवा तो सब अज देने लगे, मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त सब कहीं ना कहीं सेटल हो चुके थे। मैं मशहूर ख्वाजा सरा बन गया, मैं घंघरू पहने घंटों नाचता रहता, लोग मुझे देखकर सिटियां बजाते, और मेरे जहन में मेरी पढ़ाई चल रही होती थी। मैं जो भी था साहब इल्म था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक काबिल तालिब आलम था। बस फर्क ये था, मुआशरे ने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुझे नाचता हवा देखना चाहते थे और मुझे डांसर बना ही दिया। एक दिन मैं एक मोबाइल की शॉप पर खड़ा था, वहां एक शख्स लैपटॉप ले आए परेशान था, उसमें मेरा बहुत कीमती डेटा है, कोई भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मैंने उस शख्स से कहा, सर किया मैं एक बार ट्राई कर। वो मेरी तरफ देखकर बोला, वह मशहूर जमाना ख्वाजा सरा मैडम परी को कंप्यूटर्स का भी इल्म है। मैं मुस्कराने लगा। जैसे ही लैपटॉप ऑन किया, मुझे प्रॉब्लम की समझ आ गई, 20 मिनट में ठीक कर दिया। वो शख्स हैरान था, वो खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो मेरी काबिलियत पर रश्क करने लगा। मैं कार में बैठा चला गया। रात को मुझे शादी पर जाना था नाचने के लिए। मैं तैयार हवा, अलमारी से अपने सारे कागजात निकाले, रोने लगा। एक ख्वाब जो मुझे तड़पाता था, मैं एक अस्त की पाकीजा जिंदगी चाहता था, लेकिन मुआशरे ने मुझे जिंदगी में धकेल दिया। मुझे याद है उस रात में बहुत बीमार था, 7 घंटे तक नाचता रहा। मेरा बीमार होना किसी को नजर नहीं आया, बस मेरा नाचना लोग इंजॉय कर रहे थे। प्रोग्राम से घर गया, थक चुका था, मोबाइल पर एक मेल आया हुआ था, मुझे यकीन न हो रहा था। 2 साल पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझे जॉब देने की ऑफर की। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कनाडा का वीजा ऑफर किया। मैं रोने लगा, मैं चीख चीख कर रोने लगा, मेरा ख्वाब पूरा हवा था, सब मेरे पास आ गए। क्या हवा परी, मैंने आंसू साफ किए, सबको बताया मुझे जॉब मिल गई है, सब बहुत खुश हुए। मैंने बाल कटवाए, फिर से समीर बना, सब ख्वाजा सरा रो रहे थे, मुझे लाखों दांव में विदा किया। मैं 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करता रहा, पाकिस्तान के हिसाब से मेरी तनख्वाह 11 लाख थी। मैं बहुत खुश था, मेरी काबिलियत देखकर 5 साल में मुझे मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। मैं हैरान था, उन लोगों ने क्यों मुझे ख्वाजा सरा कहकर रिजेक्ट नहीं किया, ये लोग क्यों मेरी इतनी इज्जत करते हैं? उन लोगों ने मुझे बड़ा घर गाड़ी नौकर सब कुछ दिया है, ये लोग मुझे क्यों नहीं कहते नाचने के लिए आए? ये लोग क्यों मुझे मुआशरे की जिंदगी नहीं समझते? हर कोई क्यों मुझे सर कहकर मुखातब करता है? फिर मैं अपने मुआशरे के बारे सोचने लगा, कितनी नफरत भरी है मेरे मुआशरे में, किस कदर जहालत में डूबा हवा है मेरा मुआशरा। मेरा मुआशरा आज़ादी की बजाय गुलामी को तरजीह देता है। मैं चीख चीख कर कहता रहा, मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मेरा मुआशरा कहता रहा, तुम को कंजरी बनकर नाचना है बस। मैं सोचता हूँ मैं हजड़ा नहीं हूँ, मेरे मुआशरे का हर फर्द हजड़ा है, जिनके जमीर मर्दा हैं, जिनका शौर मिट्टी की खाक है, जो अपने हक के लिए न लड़ सकते हैं न आवाज़ उठा सकते हैं।
जो कौम बिरयानी की प्लेट पहक ना जमीर बीच दे उस कौम का मुस्तकबिल किया होगा खुद सोची। आज का मेंजर डायरेक्टर चीख चीख कर कहता रहा, मुझे आने वाली नस्ल के लिए कुछ करने दो। मेरे पैरों पर घंघरू बांध कर मुझे कंजरी बनाकर नचवाते रहे। इंग्लिश कौम उस लिए कामयाब है कि एक ख्वाजा सरा को अज देकर उसकी काबिलियत देखकर मेंजर डायरेक्टर बना दिया और मेरे मुआशरे ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ख्वाजा सरा बना दिया। छोटी छोटी बात पर जानवरों की तरह खून बहाने वाली कौम खदारा खदारा होश में आ जाए। मेरे साथ किया हवा, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, बस मैं अपने मुआशरे की तरजीहत बता रहा हूँ। ख्वाजा सरा भी इंसान है, इसे अपने मुआशरे में जगह दें। इसे सिर्फ नाचने वाला न समझें। स्कूल कॉलेज गली मोहल्ले में अगर कोई बचा ऐसा ये तो उसकी हिम्मत बनने के उस पर तंज करें। लिंगड़े को लंगड़ा कहना, इंधे को इंधा, ख्वाजा सरा को हजड़ा कहने की बजाय उनके असल नाम से मुखातब करें। अल्लाह जिसे चाहे वैसा बना दे। अगर आपको ही अल्लाह कोई मौजी बीमारी में मुबतला कर दे तो आपका क्या जोर है उस पर। याद रखें, बाजमेर कौमें इतिहास लिखती हैं। किसी ख्वाजा सरा को मेंजर डायरेक्टर बनाकर चाय की प्याली पर ईमान बेचने वाली कौमें सिफा हिस्ती से मुटा दी जाते हैं। एक साहब इल्म समीर को ख्वाजा सरा बनाकर आखिर हम क्यों इतने बेरहम बन गए हैं, आखिर हम क्यों फितनों में डूब गए। आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और रहम दिली का हुक्म नहीं दिया? अगर दिया है तो आप खुद को कैसे मुसलमान कह सकते हैं नफरतें फैलाकर? मुसलमान तो मोहब्बत का दरिया है। आप किया है जरा सोचिए। अलीफा